हेलो गाइज, मेरा नाम है सूरज और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, अगर आप लोग यह वीडियो देख रहे हो तो पक्का मैं 100% लिख के देता हूँ कि आपका कोई भी रील्स वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। लेकिन डोंट वरी, आपका भाई आज के इस वीडियो पर ऐसे दो ट्रिक बताएगा इंस्टाग्राम पर इनेबल करने के लिए, जिससे आप लोग अपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर इनेबल कर दोगे तो आपका हर रील्स वायरल होने की संभावना बढ़ जाता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे जिस तरह का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ टिप्स दे देता हूँ, जिसे आप लोग फॉलो करोगे तो आई थिंक आपका रील्स वीडियो वायरल हो जाएगा। तो सबसे पहले टिप्स, आप लोग को ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाना है। तो अब बहुत सारे बंदे का कमेंट्स आएगा कि आखिर ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे पता करें। तो सबसे पहले आप लोग को इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो इस तरह स्वाइप अप करके देखना है, और जो भी सॉन्ग आप लोग को बार बार आता है तो समझ लीजिए वही सॉन्ग अभी इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चल रहा है। तो उसी पर आप लोग को बनाना है रील्स वीडियो, जिससे आपका वायरल होने का संभावना बढ़ जाता है रील्स। अब दूसरा टिप्स यह है कि आपको अपने रील्स वीडियो का क्वालिटी गजब का रखना है। वीडियो के क्वालिटी के साथ साथ आपका लोकेशन भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पीछे हरे भरे पेड़ पौधे रहेंगे तो उस तरह का लोकेशन बहुत ही अच्छा लगता है देखने में ऑडियंस को, और इससे आपका रील्स वायरल होने का संभावना बढ़ सकता है। अब तीसरा टिप्स यह है कि आप लोग को बड़े बड़े सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके साथ ड्यूट करना है। जैसे कि इंस्टाग्राम पर बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, मिस्टर फैजू, रियाज, जन्नत जुबेर, इन सारे के वीडियोज पर आप लोग को ड्यूट करना है। इससे आपका रील्स वायरल होने का संभावना बढ़ जाएगा। अब चौथा टिप्स यह है कि आप लोग को अपने रील्स वीडियो पर एक अच्छा सा कैप्शन और हैशटैग का यूज करना है। तो आप लोग अगर मान लीजिए एक कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो आप लोग को एक अच्छा सा कैप्शन लिखना है इस तरह, वेट फॉर एंड, जिससे आपका वीडियो कोई भी ऑडियंस देखे तो वहाँ पर वह जरूर रुकेगा कि यह बंदा रुकने के लिए क्यों बोल रहा है। और आप लोग कैप्शन पर लिख सकते हैं वेस्ट फॉर ट्विस्ट, कॉमेडी, फनी वाइंस, फनी रील्स, इस तरह का बहुत सारे आप लोग को हैशटैग यूज करना है अपने वीडियो पर। अगर आप लोग को नहीं आता है हैशटैग तो आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन मिल जाएगा जहाँ से आप लोग एक ट्रेंडिंग हैशटैग यूज कर सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ से दिमाग भी लगा सकते हो थोड़ा सा, और आप लोग अपने वीडियो पर एक अच्छा सा हैशटैग लिख सकते हो। अब पांचवा टिप्स यह है कि आप लोग को सही समय पर अपने रील्स वीडियो को अपलोड करना है, जिससे ज़्यादा रीच मिलेगा और आपका रील्स वायरल भी हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि ऑडियंस लोग, पब्लिक लोग कब फ्री होते हैं और मोबाइल को यूज करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा माइंड लगा सकते हो कि शाम में जो लोग होते हैं 5 से 6, वहाँ पर सभी लोग अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ देखते रहते हैं। तो उस समय आप लोग 4 से 5 के 6 के बीच आप लोग रील्स वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपका रील्स पे ज़्यादा रीच आएगा तो आपका रील्स वायरल भी हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोग को अब दो सेटिंग्स बताता हूँ, जिससे आप लोग को इनेबल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में करना है, तभी आपका कोई भी रील्स वायरल होगा। सिंपली से आप लोग को इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद बहुत सारे बंदे का इंस्टाग्राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, जो कि आप लोग को पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट पर कन्वर्ट करना है। जो मेरा आप लोग अभी इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहे हैं या मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है, तो यहाँ पर देखिए मेरा यूजर नेम दिखाई देगा, उसके जस्ट नीचे देखिए पब्लिक फिगर का ऑप्शन मिलेगा, उसके जस्ट नीचे देखिए और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, एडिट प्रोफाइल का, इनसाइट्स का, तो ये सारा कुछ आप लोग को प्रोफेशनल अकाउंट पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पर्सनल से प्रोफेशनल अकाउंट पर कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए ऊपर की ओर देखिए 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को सेटिंग्स वाला ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, तो आप लोग को इसी पे क्लिक करना है। यह मेरा ऑलरेडी अभी प्रोफेशनल अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर मेरा पर्सनल का ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद जैसे ही प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करोगे वहाँ पर कुछ प्रोसेस मांगेगा, सारा कुछ आप लोग को अलाउ करते जाना, और उसके बाद आप लोग को वहाँ पर एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया हूँ पब्लिक फिगर, तो वहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाएगा, वीडियो क्रिएटर, डांसर, वीडियो गेमिंग, सारा कुछ। तो आपको जो भी अच्छा लगता है एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपका इंस्टाग्राम एक प्रोफेशनल अकाउंट पर कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद आप लोग इस इंस्टाग्राम पर सारा कुछ अपने एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पर कितना रीच गया, इस महीने कितना इंगेज हुआ, आप लोग देख सकते हैं कितना स्टोरी लगा, सारा कुछ यहाँ से चेक कर सकते हो। अब दूसरा सेटिंग्स इनेबल करना है फेसबुक रिकमेंडेशन का, यह आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिया जाता है। इनेबल करने से यह होगा कि जब भी आप लोग अपने इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो अपलोड करोगे तो वह वीडियो फेसबुक पर भी रिकमेंडेशन में जाएगा, और आपका वीडियो पर अच्छे रीच आएंगे, अच्छे व्यू जाएगा, तो आपका रील्स वायरल भी हो सकता है। तो आप लोग को इनेबल कैसे करना है चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। सिंपली से आप लोग को इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोग को फिर से 3 डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सेटिंग्स वाला ऑप्शन पर जाना है।
उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी का, तो प्राइवेसी वाला ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा रील्स एंड रिमिक्स का, तो आप लोग को इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिकमेंडेशन ऑन फेसबुक, तो आप लोग को इसे ऑन करके रखना है। यहाँ पर मैं ऑन ऑलरेडी करके रखा हूँ, इससे आपका रील्स फेसबुक पर भी लोगों के पास रिकमेंडेशन में जाएगा, इससे आपका रील्स वायरल हो सकता है। आई होप गाइज यह वीडियो पर मैं आप लोग को 6-7 तरीके बताए रील्स वीडियो वायरल करने का, तो आप लोग ये 6-7 तरीके फॉलो करोगे तो आई होप आपका रील्स वायरल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, अपने भाई का चैनल है, और जो साइड में बेल आइकन है उसे ऑल पर प्रेस करो। साथ ही मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम surajmathav23, या लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।